महाराज बई रावण था जो सीता के स्वयंवर में गया था, लेकिन उसने धनुष उठा करके तोड़ नहीं पाया था तो सीता से विवाह नहीं कर पाया था। रावण उसी दिन से सोचता था कि मैं कब सीता को अपनी बना करके लाऊं। जब इंसान की मौत आती है, जब इंसान का गलत समय आता है, तो वो पराई स्त्री की तरफ भागता है। वैसे रावण कितना कोई ज्ञानी नहीं था महाराज, रावण कितना कोई ज्ञान का भंडार भरने वाला नहीं था। अगर वो रावण सीता को चुरा कर नहीं ले जाता तो रावण की कोई राम की कोई औकात नहीं थी जो रावण को मार देते, क्योंकि उसने गलत किया था। रावण के घर में एक पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी, बहुत समझदार थी। एक दिन रावण को मंदोदरी समझाने लगी, महाराज एक पत्नी घर में हो और पति अधर्म के रास्ते पर जाए तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति को अधर्म के रास्ते से बचा ले। वैसे तुम्हारी लंका में कोई राज करने वाला नहीं है, तो एक शब्द कहा था मंदोदरी ने महाराज, आरे तुम्हारी बिरानी नारी राजा लंका वीरानी आई, तुम्हारी बिरानी नारी राजा लंका वीरानी महाराज। आपके पास इतनी बड़ी लंका सोने की है, लेकिन आप अधर्म कर रहे हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो, पाप कमा रहे हो। और बोली अरे पर नारिया धारा छुरी, पर नारिया धारा छुरी, पर नारिया धारा छुरी की पर नारिया रावण अगर सीता को नहीं चुराता।